नमस्कार, शाम के 7 बजने को है देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे विश्वसनीय और नंबर वन शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश में चिड़िया उड़ का खेल खेला जा रहा है। कोई अफवाहों की चिड़िया उड़ा रहा है, कोई सौहार्द बिगाड़ने वाली चिड़िया उड़ा रहा है, कोई आरोपों की चिड़िया उड़ा रहा है, तो कोई पलटवार की चिड़िया उड़ा रहा है। लेकिन सबसे खतरनाक चिड़िया उड़ाई गई है गाजियाबाद में। यहां एक बुजुर्ग की पिटाई को धर्म के लिहाफ में लपेट दिया गया, वीडियो को वायरल किया गया और अफवाह की चिड़िया उड़ाते हुए दो समुदायों के बीच सौहार्द को मिटाने की कोशिश की गई और यह सब हुआ ट्विटर वाली चिड़िया के चक्कर में। इसलिए सरकार ने ट्विटर वाली चिड़िया के पर कतर दिए हैं। सरकार ने ट्विटर से कह दिया है चिड़िया उड़। देखिए, चिड़िया उड़ अफवाह की, चिड़िया उड़ धार्मिक उन्माद की, चिड़िया उड़ फरेब की, चिड़िया उड़ नफरत की। अफवाह की चिड़िया जब ट्विटर वाली चिड़िया के साथ प्रवास करती है तो पंख आकाश में अंधकार का विस्तार करने लगते हैं। नफरत की चिड़िया 280 अक्षर वाली ट्विटर वाली चिड़िया के साथ आवाज मिलाती है तो आवाज की गति प्रकाश की गति से भी तेज हो जाती है। वो दौड़ती है गाजियाबाद से फरीदाबाद, फरीदाबाद से मुरादाबाद, मुरादाबाद से फैजाबाद, क्या मऊ, क्या लखनऊ, क्या दिल्ली, क्या दिलदार नगर या कोई शहर। ऐसी ही अफवाह की चिड़िया उड़ी गाजियाबाद से। एक वीडियो आया जिसमें 72 बरस के अब्दुल समद नाम के बुजुर्ग को कुछ लोग पीट रहे हैं, उनका धार्मिक अपमान कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को धर्म से जोड़ा गया। कहा गया कि वर्ग विशेष ने इन्हें मुस्लिम होने और दाढ़ी रखने के लिए पीटा। वैसे भी ट्विटर वाली चिड़िया धार्मिक उन्माद के मामले पर पंख पसार कर उड़ती है तो उड़ी, मगर अफवाह की चिड़िया का उड़ना गाजियाबाद पुलिस की नींद उड़ा गया। जांच हुई तो मालूम चला कि मसला धार्मिक नहीं, व्यक्तिगत है। उन्होंने ये बताया कि तावीज की वजह से उन्होंने मन में उनके इस व्यक्ति के लिए नाराजगी थी और ऐसा लग रहा था कि एक विपक्षी के साथ मिल करके ऐसा तावीज बनाया गया जिससे जो भी उस व्यक्ति संतुष्ट नहीं था उसके घर में, उससे विपरीत प्रभाव निकल के आ रहा था। तो जो मुख्य अभियुक्त है उसने जो घटना करी, अपने दोस्तों को बुला करके करी, ये कोई धार्मिक उद्देश्य से की गई, इसके पीछे जो भी व्यक्तिगत कारण था वो स्पष्ट रूप से निकल आया। तो मामला ताबीजी था, लिहाजा पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ मारपीट और अभद्रता की गई जो कि पूर्ण रूप से गलत थी, उसका वीडियो संज्ञान में तुरंत आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई इसमें की और इसमें हमने मुकदमे में जो धाराएं थी उसको बढ़ाया गया और इसमें 3 अभियुक्त जेल जा चुके हैं जो कि मुख्य आरोपी हैं। अन्य अभियुक्तगण जो भी हैं 5-6 लोग, सभी लोग चिन्हित कर लिए गए हैं, बहुत ही जल्दी उनको भी जेल भेजा जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने अफवाह की इस चिड़िया को अपने ट्विटर वाले घोंसले से उड़ाया था, पुलिस की उन पर नजर थी, लिहाजा उन पर भी केस दर्ज किया गया। इनमें पीटने वाले आरोपी भी हैं और बिना फैक्ट चेक किए वीडियो वायरल करने वाले भी। मसलन ट्विटर INC, ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सलमान निजामी, डॉक्टर शमा मोहम्मद, जुबैर अहमद, राणा अयूब, सबा नकवी और एक अखबार। घटना व्यक्तिगत विवाद के कारण हुई है तथा विपक्षी गण हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदायों से संबंधित है। उक्त स्पष्टीकरण के बावजूद धार्मिक वैमनस्यता तथा प्रदेश में माहौल खराब करने के लिए कतिपय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिनमें 5 व्यक्ति एक मीडिया ग्रुप शामिल है, के द्वारा अपने ट्वीट्स को डिलीट न किया गया। लेकिन अफवाह की इस चिड़िया को उड़ाने और धार्मिक विद्वेष फैलाने के लिए ट्विटर पर सख्त एक्शन हुआ। ट्विटर का कानूनी संरक्षण खत्म कर दिया गया। ट्विटर को IT एक्ट की धारा 79 के तहत कानूनी संरक्षण था। ट्विटर को मानहानि, कानूनी कार्रवाई या जुर्माने से छूट मिली हुई थी। बहुत मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं इन सारी सोशल मीडिया कंपनियों को, भारत की डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए,
करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़े। मतलब ये कि जिस मंच से अफवाह की चिड़िया उड़ी, उसी ट्विटर वाली चिड़िया के पर कतर दिए गए और पर कतरे गए तो ट्विटर वाली चिड़िया पर FIR दर्ज की गई। कलम चली कि ट्विटर ने धार्मिक भावनाएं भड़काई, आपराधिक इरादे से काम किया, साजिश के तहत काम किया गया, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ना मकसद था और दोस्त समुदायों में घृणा फैलाना मकसद था। ट्विटर वाली चिड़िया के पंख उधेड़े गए तो उधर से फिर एक चिड़िया उड़ी। ट्विटर पर ही ट्विटर वालों ने कहा कि हम IT मंत्रालय को प्रक्रिया से अवगत करा रहे हैं, हमने अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी को बरकरार रखा है और इसका विवरण हम जल्द ही सीधे मंत्रालय के साथ साझा करेंगे। ट्विटर नए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। मुस्लिम बुजुर्ग के पिटाई के वायरल वीडियो के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ भी FIR कर दी है। इसके अलावा तमाम उन लोगों के खिलाफ FIR की गई है जिन्होंने इस वीडियो को ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करके यह दावा किया था कि बुजुर्ग से मारपीट की गई और उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए। पुलिस का यह साफ कहना है कि इसमें कोई भी सांप्रदायिक एंगल नहीं है, ये आपसी झगड़ा एक ताबीज को लेकर के हुआ था और पीटने वाले लोगों में मुस्लिम युवक भी शामिल थे जिनको जेल भेज दिया गया है। इस घटना ने यह संदेश दिया है कि अफवाहों की चिड़िया उड़ाने से पहले 100 बार सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि जीवन की चिड़िया जेल में उड़े और समय काटने के लिए जेल की दीवारों के पीछे आप खेलें चिड़िया उड़। अभिषेक आनंद, अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।